मॉर्निंग एंड हर हर महादेव फ्रॉम तुंगनाथ, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला एकमात्र शिव जी का मंदिर। केदारनाथ से ज्यादा ठंड लग रही है मुझे यहाँ पे, ये देखो ये और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं होती है दिन में, एक ही बार में इतना जुलम हम लोग कर रहे हैं। चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं। चार किलोमीटर का ये ट्रैक है और एकदम खड़ा ट्रैक है। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर जो है उसका बनता है ये। अगर आपको आगे जाना तो एक किलोमीटर चंद्रशिला है, तो भी अंदर जाते हैं। पर ये सब जो देखते हैं ना उसके बाद सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तुंगनाथ का भाई ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही क्लीननेस है। अगर आपने शॉर्टकट लिया तो 500 से 25,000 तक जुर्माना यहाँ लगता है। हर महादेव कमेंट पे लिख। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धवल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव फ्रॉम तुंगनाथ, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शिवजी का एकमात्र मंदिर तुंगनाथ, पंच केदारों में से एक मंदिर तुंगनाथ। पांडव काल का ये मंदिर है, मतलब पांडव ने ये मंदिर बनाया था। हर भक्त को कम से कम यहाँ पे 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे आप देखो। तो सोनप्रयाग से हम लोग चौकटा पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो मेरी बैग। और केदारनाथ से ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे यहाँ पे, ये देखो ये भैया। अभी यहाँ पे पहले चलते हैं होटल पे, उसके बाद सारी बात। तो सोनप्रयाग से हम लोग आ चुके हैं चौपटा, जो बहुत ही सुंदर रास्ता था यहाँ तक आने के लिए। और हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे, अब देखो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं होती है दिन में। 7 बजे के बाद यहाँ पे लाइट स्टार्ट हुई और यहाँ पे एक ही बोर्ड है, और एक ही बोर्ड में इतना जुलम हम लोग कर रहे हैं। चार्जर फोन यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो बस ऐसा कुछ कमरा है और अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने। तो चौपटा में हम लोग खाना खाने आए हैं श्री तुंगेश्वर राजकमल होटल में, जहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया है पनीर बटर मसाला। ये हम यहाँ पे रुके हैं और ये है चौपटा का गेट, आपको दिखाता हूँ। केदारनाथ से भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, आधे लोग मना कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। और एग्जैक्टली हम लोग यहीं पे रुके हैं गेट के एग्जैक्ट बाजू में। ये रहा गेट है और ये रहे सारे रूम। और यहाँ का कुत्ता देखो आप, एकदम लायन जैसा, ब्लैक लायन। और यहाँ से अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक तुंगनाथ टेम्पल के लिए। और ये रहा इधर, उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप पॉज करके देख लेना, यहाँ पे भी है। उत्तराखंड के जो पंच केदार है उसमें से तुंगनाथ जो है तृतीय केदार है। और ये रहा गेट और वो वहाँ पे हम लोग रुके थे जैसे मैंने बताया। और बस चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तुंगनाथ भगवान की जय। का जो ट्रैक है ना वो मतलब छोटी सी ही लाइन है, जो आप पट्टा देख रहे हो पत्थरों का वही है। केदारनाथ जैसा बड़ा नहीं है, यहाँ पर भी खच्चर आते हैं पर अभी कोई नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं। और कम से कम 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है और एकदम खड़ा ट्रैक है, तो सांस फूल जाती है। अभी हम लोगों ने 1 किलोमीटर जैसा पास किया है, अभी हम लोग जाते धीरे धीरे। और पीछे देखो खच्चर आ रहे हैं। यहाँ पे तुंगनाथ में हम लोग ऊपर ट्रैक कर रहे थे और बीच में एक स्टॉल आता है। ये जो भाई है ये 10 साल किम कौसुम्बा सूरत के बीच में रहे थे, अभी कोरोना के बाद यहाँ आ गए थे और वापस से वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उन्होंने ये मुझे कुछ बताया, स्पेशल ड्रिंक क्या बोलते हैं इसे,
ब्रास का जूस, ब्रास का जूस बोलते हैं। ये सब जड़ी बूटियां फूलों से बनता है। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर से, स्टेट उत्तराखंड का, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर जो है उसका बनता है ये। रोडोडेंड्रोन भी बोलते हैं इसको। रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन भी बोलते हैं इसको। देखते हैं कैसा लगता है। ये बढ़िया है। लो भैया, लो भैया, लो। बहुत ही मस्त है भैया, बहुत ही मस्त है भाई। हां, बहुत ही मस्त है। अपन इसको ले भी जाएंगे। चलो अभी थोड़ा इसको अपन घर के लिए भी लेके जाएंगे। तो बस अगर यहाँ पे आते हो तो इसे जरूर ट्राई करना। तो तुंगना ट्रैक चढ़ते वक्त अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो ये जरा ध्यान से पढ़ लेना। 500 से 25,000 तक का जुर्माना लिया जा सकता है। तो सोच समझ कर ही आप शॉर्टकट लेना यहाँ पे। यहाँ पे जड़ी बूटी लगी हुई है सर, क्योंकि ये यहाँ पे जो आप ग्रीनरी देख रहे हो ना, ये सारी जड़ी बूटी है और उसी के ऊपर चल के हम लोग आते हैं तो वो नुकसान होता है। अब देखो हर तरफ ग्रीनरी है। तो तुंगनाथ का ट्रैक चढ़ते चढ़ते हमें एक सर मिले हैं जो पंच केदार का ट्रैक कर रहे हैं। तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस अपन पूछते हैं। वो बड़ौदा से ही है, पहले मध्य महेश्वर किया, उसके बाद केदारनाथ, अब तुंगनाथ, बाद में रुद्रनाथ जाएंगे, फिर कल्पेश्वर। और सबसे टफ कौन सा अब तक का लगा आपको? अभी तक तो वैसे तो कुछ लगा नहीं, लेकिन केदारनाथ में काफ़ी भीड़ होने से लगा। अच्छा। और अभी लगेगा, कल लगेगा जो रुद्रनाथ है। अच्छा, वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। कितना है सर? अराउंड 50 किलोमीटर से अप एंड डाउन। 50 किलोमीटर मतलब आप ट्रैक करके जाओ? ट्रैक करके जाएंगे, लगेंगे 2 दिन लगेंगे आने जाने में। ओके सर। और स्पेशली पंच केदार के लिए निकले आप? हाँ, स्पेशली पंच केदार के लिए निकले। तो आप सोचो कि सर सिर्फ पंच केदार के लिए ट्रैक करने के लिए ही निकले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप भी पंच केदार करना चाहते हो तो कमेंट में बताना, अपन कुछ प्लान करेंगे टूर के। स्मृति टूर्स को बोलेंगे कि स्पेशली पंच केदार का टूर का पैकेज बनाए। हर हर महादेव कमेंट पर लिख देना। ये जो पहाड़ दिख रहा है ये है यमुनोत्री, गंगोत्री, मतलब दोनों में से कोई भी है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंचा दिख रहा है वो है केदारनाथ। देखो और यहाँ पे जो है ऊपर वो है तुंगनाथ। फाइनली हम लोग टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं। अगर आपको आगे जाना तो 1 किलोमीटर चंद्रशिला है, यहाँ पे है आगे मंदिर। तो यहाँ से प्रसादी लेते हैं और चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ये बिली पत्र है, एक लोटा जल है, और यहाँ पे है एक फूल, एक नारियल, प्रसादी है और ये है। 4 किलोमीटर का जो ट्रैक खत्म करके हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। और मंदिर पे चढ़ाने के लिए हम लोगों ने लिया है प्रसाद। और आप देखो ये मंदिर। तो अभी अंदर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बाबा के आराम से दर्शन करते हैं, उसके बाद जाते हैं नीचे। हमारा यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है, एक लोटा जल हमने चढ़ा दिया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे सारे लोटे रखे हुए हैं, वहाँ से जल रहना है और शिव जी को चढ़ाना है। अच्छे से मंत्र जाप किया अंदर, महाराज जी ने टीका लगवाया। तो आप देखो कितना भव्य मंदिर है। ये पांडव काल था तब का मंदिर है, मतलब बहुत पौराणिक मंदिर है ये। तो अगर इतना चढ़ के आते हो तो वर्थ है भाई, भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही आपको। तो अभी फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। तो फाइनली तुंगनाथ के भी दर्शन हो गए और अभी वापस 4 किलोमीटर नीचे उतर के जाना होगा। यहाँ पर भी वैसे ही ट्रैक है और यहाँ पे थोड़ी क्लीन है। अब देखो पत्थर पे चलना होता है, तो फटाफट उतर तो जाएंगे, 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही। मेरे जो सारे साथी थे वो सब चले गए यहाँ से और मैं अकेला हूँ अभी। तो देखो आप व्यू देखो एक बार। मैं फटाफट से नीचे उतर के
आपसे बात करता हूँ, तो पहले नीचे रुकते थे। चलो, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बीच बीच में सिर्फ चॉकलेट और लस्सी वगैरह पी रहे थे, तो अभी प्रॉपर कुछ नाश्ते में है। हमने लिया है पराठा और अचार दिया है, 70 रुपये का पराठा मिलता है इधर, चक्के देखते हैं कैसा है। पराठा तो बराबर है, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, अचार के साथ खाएंगे तो आ जाएगा। देखो धुआं दिख रहा है गरम गरम। उतरते टाइम भाई मौसम अचानक से चेंज हो गया है, आप देख सकते हो ऊपर बादल और ठंड भी अभी अचानक स्टार्ट हो गई है, तो ये कान ढकने के लिए मैंने बांध दिया है। और यहाँ पे देखो आप कैसे उतरना है, पर ये सब जो देखते हैं ना उसके बाद सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तुंगनाथ का भाई ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत ही क्लीननेस है, आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा यहाँ पे, नो प्लास्टिक जोन है। और अगर प्लास्टिक कहीं गिरा भी होता है तो ये जो भाई साहब है ना वो उठा लेते हैं। और यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लेना है, जिसके मैंने आगे बताया 500 से 25,000 तक जुर्माना यहाँ लगता है। और अपन लोग ही फेंकते हैं सब बोतल प्लास्टिक, ये अपन ही गंदा करते हैं, तो अपने को सोचना चाहिए कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने लिए, तो कहीं भी ना फेंके। यहाँ पे अगर बोतल खरीदते हो तो एक स्कैनर आता है, उसको वापस करोगे तो 10 रुपया रिटर्न देता है, ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम है। जैसे केदारनाथ में इतना प्लास्टिक अटक गया है ना सब झरनों में कहीं कहीं पर भी, वैसा यहाँ पे कहीं नहीं दिखा और एकदम क्लीन है। तो मतलब यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम और जो प्रशासन है वो बहुत ही एक्टिव है। ये देखो वहाँ पे पुलिस वाला भी घूम रहा है, अगर आपने शॉर्टकट लिया तो समझ लो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो भाई साहब जो है वो शॉर्टकट ले रहे थे, वहाँ से तुरंत वो पुलिस वाले ने तुरंत उनको रोका। मैं तो कहूँ रोकना नहीं चाहिए, सीधा पनिशमेंट ही देना चाहिए, क्योंकि इतनी हजार जगहों पे लिखा है कि शॉर्टकट नहीं करना है, एकदम सही। फिर भी ये लोग शॉर्टकट मारते हैं, तो सीधा बोलना नहीं चाहिए, सीधा 25,000 निकलवाना चाहिए इनसे। तो 1 से 1.5 घंटे में नीचे उतर गए हैं। अगर आपको गोरा करना है तो नीचे से ही कर लेना, वहाँ से बीच में आपको कुछ मिलेगा नहीं। और अगर बीच में एक ही काम हो सकता है, जो उतरते हैं हम लोग जैसे, उनको पूछो कितना किलोमीटर है कितना किलोमीटर है। तो बस अभी चलते हैं होटल में। तुंगनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग ने रूम पे गर्मा गर्म पानी से नहाया, 100 रुपीज़ की बाल्टी थी, मज़ा आ गया। अभी फ्रेश होके हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ, बस वहाँ पे वेट कर रही है, तो सीधा चलते हैं बस में, फिर आगे की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ रहा हमारा तुंगनाथ का सफ़र, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है, एयरटेल जियो का आता है कभी नहीं आता है। वोडाफोन वालों कुछ करो वहाँ पे, आप कुछ नेटवर्क नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ फ़ोन ही नहीं देखा है, ना कोई स्टोरी डाल पाया हूँ। तो जरा देख लेना आप, 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो एकदम सीढ़ी चढ़ाई है, तो आने जाने में पाँव की पूरी लग जाती है हम लोगों के, पाँव इतने दर्द कर रहे हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता। और चंद्रशिला पे जाना है जो तुंगनाथ से और 2 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पे 360 व्यू दिखता है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। और वो मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक जाओगे तभी आपको दिखेगा, नहीं तो फिर बादल आ जाएंगे तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ तुंगनाथ का सीन है, तो आप देख लेना अगर चाहते हो तो। ये बातें याद रखना, वहाँ पर लाइट भी बिल्कुल नहीं रहती है, तो पावर बैंक वगैरह आप साथ में लेके जाना, टॉर्च भी एक साथ में रखना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तुंगनाथ का ट्रैक कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोले, आपको जो अच्छा लगे भगवान का नाम आप लिख देना। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इतना कफ हो गया ना भाई, आप देखो गला, इतनी ठंडी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी।